हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने हैं वी मॉडल। तो चलिए देखते हैं वी मॉडल किसे कहते हैं, इसका क्या डायग्राम होता है। वी मॉडल आल्सो रिफर टू एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मेथड। जनरली वी मॉडल में क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मेथड्स होता है। फ्रेंड्स, अभी हम नीचे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस ईच फेज ऑफ एसडीएलसी मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट फेज स्टार्ट। इसमें जनरली क्या होता है कि एक फेज जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे एसडीएलसी का दूसरा फेज स्टार्ट नहीं होता। मतलब एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेज में तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। इट फॉलोस अ सिक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस। यह एक सिक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करता है, सेम एज द वाटरफॉल मॉडल। जिस प्रकार हमारे वाटरफॉल मॉडल में क्या रहता था कि अगर एक हमारा फेज कंप्लीट होता था, एक स्टेज कंप्लीट होता था, तभी हम दूसरे स्टेज में एग्जीक्यूट करते थे। ऐसा नहीं कि हम दूसरा स्टेज कर लिए फिर इसके बाद पहला स्टेज करें। तो जनरली इसमें एक सिक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस फॉलो करता है। चलिए इसके हम डायग्राम्स देखते हैं, इसके प्रोसेस देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, हमारा डेवलपर्स लाइफ साइकिल है, फिर इसका टेस्टर लाइफ साइकिल है। फ्रेंड, इसमें देखिए इसके प्रोसेस कौन कौन से, स्टेज कौन से है। पहला, सबसे पहला हमारा आता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जनरली फ्रेंड्स जो हमारा डेवलपर होता है वो क्लाइंट से इसकी रिक्वायरमेंट लेता है कि मतलब आपको कौन सी सॉफ्टवेयर बनाना है, कौन कौन सा आपका रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे इंटरव्यू ले सकता है, क्वेश्चनरीज कर सकता है। इसी के बेसिस पे क्या करता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर करता है। जब बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टेज कम्प्लीट हो जाता है तो हमारा आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर क्या होता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर सिस्टम का रिक्वायरमेंट चेक किया जाता है। क्या यूजर जिस प्रकार का इसका रिक्वायरमेंट है, क्या इस प्रकार से हमारे पास हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि नहीं, तो इन सब चीजों के बारे में सिस्टम रिक्वायरमेंट के में डिस्कस किया जाता है। जब हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो हमारा आता है हाई लेवल डिजाइनिंग। तब क्या होता है कि एक यूजर के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया जाता है। आर्किटेक्चर डिजाइन में जो डिजाइनिंग होता है हाई लेवल डिजाइनिंग। हाई लेवल डिजाइनिंग में क्या होता है कि ये यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है कि यूजर के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्रोटोटाइप बनाना है, कौन सा बाइनरी ट्री बनाना है, ये सब चीजें डेटा डिक्शनरी, इन सब चीजों की जो हाई लेवल डिजाइनिंग होता है ये हाई लेवल डिजाइन में की जाती है। इसके बाद हमारा लो लेवल डिजाइन आता है। लो लेवल डिजाइनिंग में फ्रेंड्स जनरली जीयूआई ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पे जो डिजाइनर का मेन टारगेट होता है कि हमें हमारे जो सॉफ्टवेयर का फिजिकल बाहरी अपीयरेंस है, इसका मतलब कौन से में ग्राफिक्स का यूज करें, कौन सा कलर हो, हमारा होम पेज कैसा होना चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में हम लो लेवल डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब हमारा ये लो लेवल डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा स्टेज आता है कोडिंग। कोडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कौन से लैंग्वेज बेस्ड कमांड है, फिर इसके अकॉर्डिंग वो कोडिंग करता है। कोडिंग भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक बैकएंड कोडिंग, एक फ्रंट एंड कोडिंग। बैकएंड कोडिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कोडर होता है कोडिंग करता है, और फ्रंट एंड कोडिंग में ये जीयूआई पे काम करता है जो कोडर होता है, मतलब ग्राफिक्स पे काम करता है। फ्रेंड्स ये तो हमारे जो चारों स्टेज थे ये हमारे आते हैं वेरिफिकेशन फेस में। जो हमारा वेरिफिकेशन फेस फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है तो हमारा स्टार्ट होता है वैलिडेशन फेस। तो वैलिडेशन फेस में पहला आता है यूनिट टेस्टिंग। फ्रेंड्स जब हमारा कोडिंग होता है तो हमारा पहला जो टेस्टिंग होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें एक एक मॉड्यूल का टेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें पहला जो टेस्टिंग आता है यूनिट टेस्टिंग, मतलब एक एक यूनिट का वो टेस्ट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जनरली फ्रेंड्स क्या होता है कि जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से मिलते हैं तो क्या इनके बीच कोई एरर या बग्स है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज जब हमारा स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो हमारा आता है सिस्टम टेस्टिंग। तो जब हमारा एक पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम को टेस्ट किया जाता है क्या इसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, एक दूसरे में मतलब एरर या बग्स तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बने होते। तो जनरली इसमें सिस्टम टेस्टिंग हम ये सब चीज की टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो होता है फिफ्थ टेस्टिंग होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल आउटपुट दे रहा है या नहीं, तो ये लास्ट टेस्टिंग हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है नहीं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वी मॉडल।
फ्रेंड्स अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।